Hello guys, good morning. Holland Nile is the one. YouTube फैमिली, सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हाल। मैं हूं शिवानी और स्वागत करती हूं आपको एक नए YouTube वीडियो में। और मैं आज ट्रेडिशनल कपड़े में हूं, तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिशनल कपड़े में ये क्या कर रही है, वो भी जर्मनी में। तो मैं बता दूं कि मैं जा रही हूं एक मंदिर जर्मनी में है, जो कि सबसे बड़ी मंदिर है जर्मनी की, और पूरे यूरोप में देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पे आता है। और वहाँ जा करके मैं दर्शन करती हूँ भगवान जी का। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आज यहाँ जर्मनी में रथ यात्रा निकलने वाला है। சென்னேஸ்வரன் தரைசரனை அம்மா தெரிவித்துகிறோம். Thank you.
कभी ना हो तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, मेरी दीदी लोग भी यहाँ रहती है, उन लोग से बात करते हैं कैसा लगा उन लोगों को रथ यात्रा और कितना यहाँ आकर के कितना अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि जर्मनी में है। आप लोग बताइए, दीदी लोग मेरी इधर आइए और बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ का रथ यात्रा देख के, लग रहा है कि आप जर्मनी में हैं? फीलिंग आ रही है, इंडिया वाली फीलिंग आ रही है ना? बिल्कुल नहीं लग रहा है ना, 25 से 30 हजार लोग यहाँ है, बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं लग रहा है। हाँ, एवरी ईयर हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, मेरा तो तीसरा साल है, दीदी लोग काफी टाइम से है तो बहुत इंजॉय करती है, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ प्रसाद शेयर कर रहे हैं। ये प्रसाद यहाँ से मिला है हम लोगों को, हम लोग शेयर कर रहे हैं आपको। और पार्थ आप बताइए, आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? तो 4 साल से अच्छा लग रहा है। 4 साल से है आप, अच्छा लग रहा है आपको? इधर आप हाय बोलिए, बोलिए हेलो, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आदू हेलो, आप लोगों का सबको स्वागत है, हेलो गाइस, बोलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, आई लव यू गाइस, फ्लाइंग किसी दे दो, फ्लाइंग किसी दे दो। यस, ये रहा आपको मेरे छोटे परिवार से आपको आज मुलाकात हुआ है यहाँ पे, होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप इसी तरीके से मेरे यूट्यूब में बने रहिए, आपको अभी बहुत कुछ दिखलाना है, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं, हर इंडियन चीज़ें मिल रही है, साड़ी मिल रहा है, कुकिंग की चीज़ें मिल रही है, बहुत कुछ मिल रहा है आपको, मैं दिखला होप सो आपको अच्छा लगेगा। आप लोगों ने जितने भी ये सारे स्टॉल देखे हैं, ये सिर्फ फेस्टिवल में लगता है यहाँ पे, ये बस एक दिन के लिए लगा हुआ है, हर साल लगता है ये। आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा, बड़े मात्रे में यहाँ पे जर्मनी में ये फेस्ट मनाया जाता है इंडियन लोगों के द्वारा, और यहाँ इतने रंग बिरंग के स्टॉल्स लगे हुए, हर चीज़ मिल रहा है, इंडियन ग्रॉसरी से लेके इंडियन क्लॉथ, इंडियन मसाले, इंडियन हर कुछ मिलता है यहाँ। मिल रहा है यानी कि 3,000 3,000 की एक साड़ी, आप देख सकते हैं इस तरीके की यहाँ पे सेल लग रही है। Guys,
मैं आ चुकी हूँ घर मेले से, और जर्मनी में हाम सिटी है, वहाँ पे ये मेला का आयोजन हुआ था। करीबन 25 से 30 हज़ार लोग इस मेले में आए, और आपने देखा कि कितनी भारी संख्या में सब लोग शामिल हुए हैं, और कितना मतलब इंडिया जैसी वाइब्स आ रही थी वहाँ पहुँच करके। जर्मनी में लग रहा था कि इंडिया में हैं हम लोग। बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, माता रानी का दर्शन हुआ इतने अच्छे से। मैं तो इंडिया में भी इस तरीके की रथ यात्रा नहीं देखी क्योंकि मैं ईस्ट इंडिया से हूँ, और ये मोस्टली साउथ इंडिया का साउथ इंडिया में होता है, जैसा आप लोग देख के आप लोगों को भी लगा होगा, बट मुझे यहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा। अगर मैं इस मंदिर के बारे में बात करूँ तो मैं बताना चाहूँगी कि ये मंदिर पूरे यूरोप में दूसरे नंबर पे आता है, और बहुत मतलब जर्मनी में बहुत बड़ी मंदिर है ये। सब लोग जितने भी लोग जर्मनी के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, सारे हिंदू इसमें पार्टिसिपेट करने आते हैं, रथ यात्रा देखने आते हैं। इस मंदिर का नाम कामाक्षी टेम्पल है, और ये मोस्टली तमिल श्रीलंकन जो है उनके द्वारा बनाया गया है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 4-5 साल पहले लोग आए थे, और रिफ्यूजी थे, श्रीलंकन रिफ्यूजी थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया है, और तब से श्रद्धालु हमेशा हर साल यहाँ आकर के माता रानी का रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, और पूरा इंडिया वाला वाइब्स रहता है। ऐसे हमारे वीडियो के साथ हमेशा बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट करके कर सकते हैं, और मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि ये वीडियो कौन कौन लोग देख रहा है, किस किस सिटी से देख रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।